अस्सलाम वालेकुम। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। पूरे खित्ते में सूरत हाल अक्सर बदल रही है। अमेरिका को 9/11 के बाद शुरू की जाने वाली जंगों में शिकस्त का सामना है। उसने इसका कंट्रोल भारत को देने का सोचा था, लेकिन भारत ये देखकर कि दो आलमी कुव्वतें यहाँ शिकस्त खा चुकी हैं और उसे पता है कि यहाँ काफ़ी जानी नुकसान के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने कंट्रोल लेने से माजरत कर ली। भारत ने उसे हर मैदान में मायूस किया। अमेरिका इन जंगों में मसरूफ़ था, उधर रूस और चीन ने अपनी ताकत में बेपनाह इजाफा कर लिया। सेंट्रल एशिया और रूस के नवाह में जारी इस जंग में ताहाल अमरीकी नाकामियों और स्ट्रेटेजिक महले वकू ने इस खित्ते को आलमी ताकतों की ग्रेट गेम का मरकजी इलाका बना दिया है। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि शिद्दत पसंदी नहीं बल्कि ग्रेट पावर्स का मुकाबला अब अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी की तवज्जो का बुनियादी फोकस है। उनका मौक़िफ़ है कि रूस ने एटमी मैदान में नए इलाकाई तबाही फैलाने वाले एटमी हथियार और दीगर तब्दीलियां करके अमेरिका को मजबूर किया है कि वो जौहरी फोर्स तैयार करे और इस नई दौड़ के लिए अमेरिका $1 ट्रिलियन खर्च करेगा। हालांकि अमेरिका भी नई जनरेशन के ऐसे जौहरी क्रूज़ मिसाइल तैयार कर चुका है जो रेडार की नज़र से बचकर निचली परवाज करते हुए समंदर पार करके खामोशी से ऐसे जहरीले बादल हदफ वाले इलाके में फैलाकर इंसानों और जानदारों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। और ये भी पता नहीं चल सकेगा कि हमला एटमी या गैर एटमी था, जबकि अमेरिका की नई जौहरी हिकमत अमली से पहले ही पाकिस्तान टैक्टिकल एटमी हथियारों के शोबे में अपनी महारत का नमूना भारत और उसके साथियों को दिखा चुका है। भारत पाकिस्तान के टैक्टिकल हथियारों के हाथों बहुत परेशान है और बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनका इजहार अभी उसने किया ही नहीं, जबकि भारत जैसे वसी और ज़्यादा वसाइल वाले मुल्क के मुकाबले में अपनी सिक्योरिटी की तलाश में ये मराहल पाकिस्तान बहुत पहले और आगे जाकर तय कर चुका है। इन तमाम बातों का मकसद हथियारों की तबाहकारी से मायूसी फैलाना नहीं बल्कि वो तमाम ज़मीनी हकायक आपके सामने लाना है जो ग्रेट पावर्स के मुकाबले का हिस्सा हैं और एशिया बिलखसूस हमारा खित्ता इन बड़ी ताकतों की बाहमी चपकलश और नई आइटमी दौड़ के मुजिर असरात की लिपट में आ रहा है। बहुत अरसा कबल ही मुतअद्दद अमरीकी माहिरीन भी ये कह चुके हैं कि यूरोप में दो आलमी जंगों की तबाही के बाद आइंदा की मुमकिना जंग का थिएटर एशिया में होगा। भारत अमेरिका इत्तेहाद के तीसरे फरीक इसराइल ने शर्क़ वुसत से निकलकर जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया को अपनी सरगर्मियों का तौसीई मरकज बना लिया है। अमरीकियों का कहना है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से रूस महदूद तबाही फैलाने वाले नए एटमी हथियारों के शोबे में मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। अब नई सूरत हाल में अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और नई जौहरी हिकमत अमली का मकसद और फोकस को समझने की ज़रूरत है। इसका मकसद रूस और चीन का मुकाबला करना और फोकस एशिया है। ड्रोन तैयारों की टेस्टिंग तो अमेरिका पाकिस्तान के मगरिब में जारी जंग में कर चुका है। अब नई जनरेशन के एटमी हथियारों के तजुर्बात और नतायज के लिए ये मुतहारब आलमी ताकतें किस इलाका का रुख करती हैं, इस बारे बदलती हुई सूरत हाल और बहरानी कैफियत फैसलों पर असर अंदाज होगी। अमेरिका अपनी सरजमीन से दूर बहरान ज़दा इलाकों में अपने मुखालफीन को मसरूफ रखने और मुकाबला करने की मुसलसल पॉलिसी पर अमल पैरा है। रूस और चीन को अमेरिका मुखालिफ मुमालिक करार देकर दुनिया को दो ब्लाकों में तकसीम किया जा रहा है। पाकिस्तान भी चीन से कुर्बत और अब रूस से बेहतर ताल्लुकात के बायस इसी अमेरिकी दबाव का शिकार है। नए एटमी हथियारों की दौड़ जहां एशिया में महदूद एटमी जंग के खतरात पैदा कर रही है, वहां एक नई सर्द जंग का आगाज़ भी हो रहा है। इन दो ब्लाकों में एक ब्लाक रूस,
چین، پاکستان اور ایران کا ہے، جبکہ دوسرے بلاک میں واضح طور پر امریکہ، بھارت اور اسرائیل دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے بلاک کو دوسرے بلاک پر برتری حاصل ہے، کیونکہ پہلے بلاک میں پاکستان موجود ہے جو منظرنامہ بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور دنیا کی بہترین فوج سے لیس ہے، جبکہ بھارت کی فوج اور اسلحہ زیادہ ہے لیکن بھارت کی افواج میں جنگ کی استعداد موجود ہی نہیں۔ اس نے حال ہی میں اسرائیل کی مدد اور اس کے میزائلوں کے استعمال سے پاکستان میں جارحیت کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے اس کے طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے اگلے ہی دن اسے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس طرح بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کو مایوس کر دیا۔ بھارت کے ساتھ امریکہ کا رویہ بھی سخت ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ کو ایک مضبوط اتحادی کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو بڑی شدت سے احساس ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر کے بہت غلطی کی، لیکن چونکہ وہ سپر طاقت کے عہدے پر فائز ہے اس لیے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ پاکستان کو پھر سے قریب کرنا چاہتا ہے اور اس کے صدر اور وزراء حال ہی میں کئی بار پاکستان کے اقدامات کی تعریف بھی کر چکے ہیں، لیکن پاکستان واضح کر چکا ہے کہ وہ اب ان کی جنگ میں مدد کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ روس پاکستان کے قربت سے کافی مضبوط ہوا ہے اور اس کا اعتماد بھی کافی بحال ہوا ہے۔